वेलकम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी मेड इजी 9 to 12। सीबीएसई ने सैम्पल क्वेश्चन पेपर टर्म 2 एग्ज़ाम 2022 के लिए जारी कर दिया है क्लास 10th एंड क्लास 12th के लिए। आज मैं इस वीडियो के जरिए लाई हूँ क्लास 12th के बायोलॉजी सैम्पल क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस विद एक्सप्लेनेशन। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लो, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ आपको समय पर मिलते रहें। तो चलते हैं सीबीएसई के टर्म 2 सैम्पल पेपर की तरफ। सीबीएसई इस बार टर्म 2 एग्ज़ाम जो लेने वाली है वो होने वाला है सब्जेक्टिव, और टोटल मार्क्स जो हैं वो 35 है, ड्यूरेशन 2 आवर्स का है, एंड क्वेश्चन हैज़ 3 सेक्शन, सेक्शन ए, बी एंड सी। सेक्शन ए में 6 क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स के, सेक्शन बी में भी 6 क्वेश्चंस हैं 3 मार्क्स के, और सेक्शन सी में 1 क्वेश्चन है 5 मार्क्स के, टोटल 35। एंड 15 मार्क्स एज यू नो टर्म वन की तरह प्रैक्टिकल्स के लिए अलॉटेड हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। सेक्शन ए में क्वेश्चन है, ह्यूमंस हैव इनेट इम्यूनिटी फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजेंस दैट मे एंटर द गट अलॉन्ग विद फूड, व्हाट आर द 2 बैरियर्स दैट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम सच पैथोजेंस। वेल, इनेट इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं। इनेट इम्यूनिटी हमें जन्मजात मिलती है, इट इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। एनी 2 प्रोटेक्शन मेथड आपको बताना है। अब देखना है कि ये जो पैथोजन है वो एंटर कैसे कर रहा है। ये पैथोजन एंटर कर रहा है माउथ के जरिए, तो माउथ से आपके गट में, तो माउथ से लेकर के गट में जो प्रोटेक्टिव चीज़ें हैं वो है म्यूकस मेम्ब्रेन, जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में म्यूकस प्रोड्यूस करता है, जो इन पैथोजेंस को ट्रैप करता है और ट्रैप करके उसको बॉडी के अंदर एंटर नहीं होने देता है। और दूसरा है फिजियोलॉजिकल बैरियर, इसमें वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे गट में पाए जाते हैं, जो ऐसे पैथोजेंस को किल करते हैं। या फिर आप जानते हो कि हमारे स्टोमक में जो गैस्ट्रिक जूस है वो हाईली एसिडिक है, पीएच वैल्यू हैविंग 1.8, जिसकी वजह से वो भी आउटसाइड पैथोजेंस जो भी एंटर करता है उसको किल करता है। इस तरह से हमारा बॉडी प्रोटेक्ट होता है। क्वेश्चन 2 में देखते हैं, अ पेशेंट एडमिटेड इन ICU वॉज डायग्नाइज टू हैव सफर्ड फ्रॉम मायोकार्डियल इन्फेक्शन, द कंडीशन ऑफ कोरोनरी आर्टरी इज डिपिक्टेड इन द इमेज बिलो, नेम 2 बायोएक्टिव एजेंट्स एंड देयर मोड ऑफ एक्शन दैट कैन इम्प्रूव दिस कंडीशन। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो है वो हार्ट अटैक है, उसमें होता क्या है कि जो हार्ट मसल्स हैं वो काम करना बंद करते हैं, क्योंकि उनको सफिशियंट ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन की कमी होती है। तो अगर ये सिचुएशन कुछ लंबे समय तक चला और 12 घंटे के अंदर अगर हमने उसको ठीक नहीं किया, तो उस केस में हार्ट कम्प्लीटली काम करना बंद कर देगा एंड दैट विल रिजल्ट इन डेथ। तो यहाँ पर जो डायग्राम आप देख रहे हो उसमें कोरोनरी आर्टरी में न सिर्फ कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन बल्कि क्लॉट भी दिख रहा है। तो यहाँ इससे बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इमीडिएट हम इस क्लॉट को हटाएँ और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करें, ताकि ब्लड का फ्लो जो है नॉर्मल हो जाए और पेशेंट का हार्ट वर्क करने लगे। तो कौन से 2 बायो एक्टिव कंपाउंड्स हम यूज कर सकते हैं? एक तो है स्ट्रेप्टोकाइनेस, जो स्ट्रेप्टोकॉकस बैक्टीरियम से हमें मिलता है। इसका काम है कि वो क्लॉट को तोड़ता है, ये क्लॉट बस्टर का काम करता है, जिससे क्लॉट उस एरिया से रिमूव होता है। और दूसरा है स्टैटिन्स, स्टैटिन्स जो है ईस्ट मोनास्कस से मिलता है और इसका काम है कोलेस्ट्रॉल लेवल को डाउन करना। तो दोनों ही केस में ये जो ब्लॉकेज है वो हटेगा और ब्लड सप्लाई नॉर्मल होगा और पेशेंट बच जाएगा। तो दिस इज द इमीडिएट थिंग व्हाट वी कैन डू टू सेव द पर्सन। देयर इज इंटरनल चॉइस इन क्वेश्चन नंबर 2, और सब्सटैंशिएट बाय गिविंग 2 रीजंस एज टू व्हाई ए होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फ्लोरा एंड फौना ऑफ द क्रॉप लैंड इज रिक्वायर्ड बिफोर इंट्रोड्यूसिंग एन एप्रोप्रिएट बायो कंट्रोल मेथड। तो ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज एक्चुअली बायो कंट्रोल मेथड। बायो कंट्रोल मेथड में वी यूज बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स टू चेक द पॉपुलेशन ऑफ द पेस्ट्स। वेल, तो यहाँ पर जब तक हम फ्लोरा एंड फौना को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तब तक हम प्रॉपर बायोलॉजिकल एजेंट यूज नहीं कर पाएंगे। बिकॉज इन अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी, वो भी खास करके क्रॉपलैंड का जो बायोलॉजिकल कम्युनिटी है उसमें नंबर ऑफ स्पीसीज कम होते हैं और इसलिए वो बहुत ज़्यादा वनरेबल होता है। तो वहाँ पर जब भी हम बायो कंट्रोल मेथड यूज़ करेंगे तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उसका बायोलॉजिकल कम्युनिटी बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो।
बायोलॉजिकल कंट्रोल में यूजुअली हम लोग प्रीडेटर यूज करते हैं. व्हाट वी यूज द प्रीडेटर, जो पेस्ट को ख़त्म कर दे, पेस्ट को अपना भोजन बना ले. ये देखना जरूरी है कि कहीं वो प्रीडेटर पेस्ट के अलावा किसी बेनिफिशियल इंसेक्ट को तो डैमेज नहीं कर रहा है, किसी दूसरे इंसेक्ट पर तो फीड नहीं कर रहा है. दूसरी बात यह है कि बायोलॉजिकली जब वो पर्टिकुलर प्रीडेटर वहाँ सेट का, तो कहीं वो किसी दूसरे स्पीसीज को जो उस बायोलॉजिकल कम्युनिटी में रहते हैं उसको एलिमिनेट ना कर दे. अगर उसको एलिमिनेट कर देगा तो वहाँ का फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगा और वो कम्युनिटी ख़त्म हो जाएगी. तो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड अप्लाई करने से पहले ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग ले लें, हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्लोरा एंड फौना ऑफ दैट क्रॉप लैंड. ओके, तो ये दो पॉइंट आप दे सकते हो. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 3 में एक केमिकल कंपाउंड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है. आइडेंटिफाई द कंपाउंड केमिकल स्ट्रक्चर. आइडेंटिफाई द कंपाउंड केमिकल स्ट्रक्चर इज शोन बिलो. स्टेट एनी 3 ऑफ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो ये ड्रग चैप्टर से है और ये जो कंपाउंड है इट इज मॉर्फिन. ये एक पेन रिलीवर है जिसको ओपिएट फैमिली से एक्सट्रैक्ट किया जाता है. इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सिंपल है, इट्स वाइट क्रिस्टलिन पाउडर, ओडरलेस, इसमें कोई भी गंध नहीं है और टेस्ट में ये काफ़ी बिटर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर एक्सप्लेन्स वाटर सैंपल्स वेयर कलेक्टेड एट पॉइंट्स ए बी एंड सी इन अ सेगमेंट ऑफ ए रिवर नियर ए शुगर फैक्ट्री एंड टेस्टेड फॉर बीओडी लेवल. द बीओडी लेवल्स ऑफ सैंपल्स ए बी एंड सी वेयर 400 mg पर लीटर, 480 mg पर लीटर एंड 8 mg पर लीटर रेस्पेक्टिवली. वॉट इज दिस इंडिकेटिव ऑफ. एक्सप्लेन वाई द बीओडी लेवल गेट्स रिड्यूस कंसिडरेबली एट द कलेक्शन पॉइंट सी. वेल, बीओडी क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. जब भी किसी वाटर बॉडी में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बढ़ोतरी होती है, जब वो सीवेज से या कैसे भी जब वो ऐड होता है, तो वहाँ पर एरोबिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिग्रेड करना शुरू करते हैं. उसके लिए वो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको यूटिलाइज करते हैं. तो जाहिर है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट घटता है, जिसको कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. तो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स वाटर में जितने ज़्यादा होंगे बीओडी का वैल्यू भी उतना ही ज़्यादा होगा. तो इंक्रीज बीओडी वैल्यू शोज दैट वाटर इज हाईली पॉल्यूटेड. तो यहाँ पर पॉइंट ए जो है इट इज़ वेरी नियर टू द फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्री. शुगर फैक्ट्री से जो सीवेज जा रहा है उसकी वजह से ए में, पॉइंट ए में काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन का डिप्लीशन हो रहा है. पॉइंट बी जाते जाते डिप्लीशन लेवल और बढ़ रहा है, वो 480 mg पर लीटर हो जा रहा है, बिकॉज यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी और बढ़ जा रही है. लेकिन पॉइंट सी में जाने से पहले आप देख रहे हो कि एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया हुआ है. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है ऑर्गेनिक वेस्ट जो है, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स जो है वाटर का, उसको रिमूव कर रही है. तो वाटर जैसे जैसे पॉल्यूटेंट फ्री होगा उसका बीओजी लेवल भी घटता जाएगा, यानी उसका जो पॉल्यूशन की जो डिग्री है वो घटती जाएगी. दैट इज द रीजन वाई एट द पॉइंट सी द लेवल ऑफ बीओडी इज फाउंड टू बी कंसिडरेबली लेस, जस्ट 8 मिलीग्राम पर लीटर. सो दिस इज द आंसर. वाटर इफ एफेक्टेड विथ ऑर्गेनिक वेस्ट इट विल हैव हायर बीओडी लेवल. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. एन इकोलॉजिस्ट स्टडी एन एरिया विथ पॉपुलेशन ए thriving on unlimited resources and showing exponential growth. Introduced population B and C to the same area. What will be the effect on the growth pattern of the population A, B and C when living together in the same habitat? देखो, जब तक कोई population ऐसे area में grow करता है जहाँ infinite resources हैं तो exponential growth होता है और उसका population just बढ़ता ही जाता है. But it's not the practical one because at some time it will happen. कभी ना कभी ऐसा होगा कि वो जो रिसोर्सेस है वो फाइनाइट हो जाए. खैर, यहाँ पर कह रहा है कि इनफाइनाइट है. इसके बाद इकोलॉजिस्ट ने वहाँ पर दो और पॉपुलेशंस ऐड कर दिए, पॉपुलेशन बी एंड सी. जैसे ही पॉपुलेशन बी एंड सी को ऐड किया जाएगा, देयर विल बी कॉम्पिटिशन बिटवीन द थ्री फॉर द सेम रिसोर्सेस, फॉर द सेम प्लेस. अब जब यहाँ कॉम्पिटिशन्स होंगी तो ऑटोमेटिकली जो रिसोर्सेस हैं वो फाइनाइट हो जाएगा, यानी लिमिटेड हो जाएगा. तो ये जो एक्सपेरेंशियल ग्रोथ जो हम देख रहे थे
वो अब चेंज हो जाएगा रियलिटी में, यानी लॉजिस्टिक या सिग्मॉइड कर्व में, जो एक्चुअली रियल है। तो जब भी हम लोग ग्रोथ कर्व करते हैं तो ये जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, लेकिन जब कंपटीशन होगा और रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे तो उसमें डिक्लाइन आएगा एंड इट विल बिकम एस शेप्ड, जिसको कहते हैं सिग्मॉइड कर्व या लॉजिस्टिक कर्व। दिस इज द रियल पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, विद द डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ फिक्स स्पीसीज इट वॉज नोटिस दैट द पॉपुलेशन ऑफ वास्प स्पीसीज ऑल्सो स्टार्टेड टू डिक्लाइन, वॉट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू एंड वॉट कुड बी द पॉसिबल रीजन फॉर डिक्लाइन ऑफ वास्प। गुड, फिक का पॉपुलेशन रिड्यूस कर रहा है तो वास्प का पॉपुलेशन भी रिड्यूस कर रहा है। इसकी वजह है इनका रिलेशनशिप विच इज म्यूचुअलिज्म, विच इज ऑल्सो नोन एज सिम्बायोसिस। तो एक्चुअली वास्प जो है वो जो फिग है उस प्लांट पर डिपेंड करता है, खास करके उसके लार्वा तो वहीं पर जीते हैं, वहीं रहते हैं और वहाँ के पोलेंस को फीड करते हैं, और उसी दौरान जब वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाते हैं तो पॉलिनेशन करते हैं। तो वास्प डिपेंड्स ऑन द प्लांट फॉर द फूड एंड शेल्टर, वेयर एज द फिग प्लांट डिपेंड्स फॉर पॉलिनेशन। तो ये म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप है। जाहिर है कि जब फिग का पॉपुलेशन घट जाएगा तो उस पर जो डिपेंडेंट है फूड के लिए यानी वास्प, उसका भी पॉपुलेशन घट जाएगा। दिस इज द रीजन फॉर डिक्लाइन इन पॉपुलेशन। इसमें एक इंटरनल चॉइस है, और विद द इंक्रीज इन द ग्लोबल टेम्परेचर द इनहैबिटेंट्स ऑफ एंटार्क्टिका आर फेसिंग फ्लक्चुएशंस इन द टेम्परेचर, आउट ऑफ द रेगुलेटर्स एंड द कॉन्फॉर्मर्स विच ऑफ द टू विल हैव बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल, गिव टू adaptations दैट सपोर्ट them टू सर्वाइव इन द ambient environment, गिव वन सुटेबल एग्जाम्पल। देखो अंटार्क्टिका में जब टेम्परेचर फ्लक्चुएशन हो रहा है तो कौन सर्वाइव करेगा? सीधी सी बात है, रेगुलेटर्स करेंगे, बिकॉज रेगुलेटर्स आर एबल टू मेंटेन इंटरनल टेम्परेचर कॉन्स्टेंट इरेस्पेक्टिव ऑफ द एक्सटर्नल फ्लक्चुएशंस। टू adaptations इन सपोर्ट आर द थर्मोस्टेट एंड होमियोस्टेट, बिकॉज दे कैन मेंटेन देयर टेम्परेचर ऑफ इनसाइड इरेस्पेक्टिव ऑफ आउटसाइड, एंड होमियोस्टेट यानी उनका जो वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस बॉडी का है वो भी कॉन्स्टेंट रहता है इरेस्पेक्टिव ऑफ द एक्सटर्नल चेंजेस। एग्जाम्पल है बर्ड्स एंड मैमल्स, दोनों में से कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो, कोई एक एग्जाम्पल आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन बी से है, 3 मार्क्स का है। हाउ डू नॉर्मल सेल्स गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कैंसरस नियोप्लास्टिक सेल्स, एलाबोरेट गिविंग 3 एग्जाम्पल्स ऑफ इंड्यूसिंग एजेंट्स। तो ये किस तरह से कैंसरस सेल्स डेवलप करता है? हम लोग देखते हैं कि जब सेल अपना नॉर्मल कंट्रोल लूज कर देता है और वो इनफाइनाइट रेट ऑफ सेल डिवीजन पर चला जाता है तो उसको हम कैंसरस कहते हैं, और ऐसा इसलिए होता है कि सेल के अंदर जो प्रोटो ऑन्कोजीन है अगर किसी तरह से ये म्यूटेटेड यानी एक्टिवेटेड हो जाए, या फिर हमारे सेल्स में एक जीन होता है जो है ट्यूमर सप्रेसर जीन, अगर ये म्यूटेटेड हो जाए एक्टिवेट हो जाए तो उस केस में क्या होगा कि सेल का जो कंट्रोल है अपने डिवीजन पर वो लॉस्ट हो जाएगा और वो कैंसरस हो जाएगा। कार्सिनोजेनिक एजेंट्स यानी एजेंट्स विच इंड्यूस कैंसर, ये 3 तरह के हैं, रेडिएशंस, केमिकल्स एंड बायोलॉजिकल। रेडिएशंस में है जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इट कॉजेज कैंसर बिकॉज इट डैमेजेस डीएनए, डीएनए में म्यूटेशन कॉज करता है। केमिकल्स लाइक टोबैको में निकोटीन है दैट डैमेजेस डीएनए, एंड बायोलॉजिकल में जैसे कुछ वायरसेस हैं जिसमें ऑन्कोजीन पाया जाता है, जब वो इन्फेक्ट करते हैं हमारे सेल्स को तो दैट बिकम्स कैंसरस। इसमें एक इंटरनल चॉइस है, और अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर, हाई ग्रेड फीवर, विच सब सिम्टम्स विल हेल्प टू आइडेंटिफाई इफ ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम टाइफॉइड, निमोनिया और मलेरिया। तो देखो इन तीनों डिजीज में टेम्परेचर राइज करता है तो व्हाट विल बी द सिम्टम्स विच विल डिफरेंशिएट विच वन इज टाइफॉइड और निमोनिया और मलेरिया। तो टाइफॉइड में जो है सस्टेन्ड हाई फीवर होता है, इट इज सस्टेन्ड, लगातार फीवर होती है और एक्यूट हेडेक होता है और साथ में डायरिया, स्टोमक पेन, ये सब होता है। निमोनिया के केस में चिल होगा, सडन चिल होगा, सडन राइज इन टेम्परेचर होगा, लेकिन उसके साथ चेस्ट पेन, कफ विथ रस्टी म्यूकॉइड स्प्यूटम होगा, एंड फिंगर नेल्स बिकम ग्रेइश टू ब्लूइश।
जबकि मलेरिया में जो हाई फीवर होता है वो एट इंटरवल्स होता है. देर इज सडन एक्यूट चिलनेस एकम्पनीड बाई शिवरिंग, बहुत कपकपी दे करके बुखार आता है. और ये जो बुखार है बहुत हाई होता है, टेम्परेचर 106 डिग्री फारेनहाइट तक पहुंच जाता है. और यूजुअली 3 से 6 आवर्स के बीच प्रोफ्यूज स्वेटिंग के साथ टेम्परेचर डाउन होता है. तो यहाँ पर फीवर सस्टेंड नहीं है बल्कि एट इंटरवल्स है. तो ये ब्लैक में जो लिखा हुआ है ये स्पेसिफिक सिम्टॉम्स हैं जो आपको तीनों डिजीजेज में फर्क बताते हैं. क्वेश्चन नंबर 8, रिकॉग्निशन ऑफ एन एंटीजन प्रोटीन ऑफ ए पैथोजन और एक्सपोजर टू ए पैथोजन अकर्स ड्यूरिंग मेनी टाइप्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्सेस इंक्लूडिंग एक्टिव इम्यूनिटी एंड इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी. Specify the types of responses elicited when human beings get encountered by a pathogen. देखो, जब भी कोई pathogen हमारे body में enter करता है तो हमारा जो lymphocytes है वो उसके specific antigenic protein को recognize करता है और खुद multiply करता है, antibody बनाता है. लेकिन first time ये primary immune response कहलाता है जो बहुत ही feeble होता है और जल्दी ही ख़त्म भी हो जाता है, declines very rapidly. लेकिन साथ ही साथ वो कुछ मेमोरी सेल्स फ्यूचर के लिए रेस्टोर करता है. सेकेंड टाइम अगर सेम पैथोजेन हमारे बॉडी में एंटर कर जाए तो ये जो मेमोरी सेल्स है उसको इमीडिएट रिकॉग्नाइज करके उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनाते हैं. मेमोरी सेल्स ऑफ कोर्स मल्टीप्लाई करते हैं तेजी से और एंटीबॉडी बना करके उसके साथ कम्बैट करते हैं. तो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी रेस्पॉन्स एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स इज लॉन्ग लास्टिंग और उस डिजीज से हो सकता है कि पूरे लाइफ के लिए बचाए. क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है कि इन अ पैथोलॉजिकल लैब अ सीरीज ऑफ स्टेप्स वेर अंडरटेकन फॉर फाइंडिंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट. डिस्क्राइब द स्टेप्स और मेक अ फ्लो चार्ट शोइंग द प्रोसेस ऑफ एम्प्लीफिकेशन ऑफ दिस जीन ऑफ इंटरेस्ट. वेल, जीन ऑफ इंटरेस्ट को पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ता है, उसके बाद उसको कट करना पड़ता है यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. तो जब भी हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज़ करते हैं तो डीएनए के कई फ्रैगमेंट्स हो जाते हैं. उन फ्रैगमेंट्स को अब हमें सेपरेट करना पड़ता है, उसके लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ करते हैं. इसमें डिफरेंट साइज़ के जो डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं वो अलग होते हैं. उसके बाद जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको ले करके सूटेबल वेक्टर में डालना पड़ता है. इसके पहले वेक्टर को भी सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट करना पड़ता है ताकि सेम स्टिकी एंड तैयार हो सके. इसके बाद उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर में डाल दिया जाता है. अब वेक्टर के डीएनए में उसको लाइगेट करते हैं यानी ज्वाइन करते हैं यूजिंग द एंजाइम कॉल्ड लाइगेज. अब वो बन जाता है डीएनए रिकॉम्बिनेंट. अब ये जो आरएनए ये जो डीएनए रिकॉम्बिनेंट है वो मल्टीप्लाई करेगा. इसके लिए हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं जिससे नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंक्रीज करता है और उसको हम यूज में ला सकते हैं. सो दीज आर द स्टेप्स. क्वेश्चन नंबर 10 जो 3 मार्क्स का ही है, द एविल क्वाड्रेंट डिस्क्राइब्स द वैल्यूज डिस्क्राइब्स द रेट्स ऑफ स्पीसीज एक्सटिंक्शन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज. एक्सप्लेन हाउ द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज अफेक्टेड बाई फ्रेगमेंटेशन ऑफ द हैबिटेट्स. देखो, जब भी ह्यूमन एक्टिविटीज नेचर में काम करेगा और अगर वो एक्टिविटी इज मच मोर देन रिक्वायर्ड देन द रीन्यूबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन और ऑफ द कम्युनिटी तो वो डेंजरस होता है. जब भी हम किसी हैबिटेट को फ्रैगमेंट करते हैं, फ्रैगमेंट करने का मतलब है कि एक कम्युनिटी के छोटे छोटे टुकड़े कर देना, मे बी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स और इंडस्ट्रीज और अर्बन एरियाज. तो इसमें क्या होता है कि जो कोर एरियाज हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, कम हो जाते हैं और जो एज एरिया है वो इंक्रीज करते हैं. इतने सारे एज एरियाज बन गए जब हमने इस एक कम्युनिटी को फ्रैगमेंट किया. तो उससे क्या होता है कि जो कोर एरिया में रहने वाला स्पीसीज है उसका जो इंटर रिलेशनशिप्स है विद अदर्स दैट गेट्स डिसरप्टेड. एंड पर्टिकुलरली अगर कोई रेयर स्पीसीज है तो उसका तो डिसअपीयर हो जाने के पूरे चांसेस होते हैं. दूसरा क्वेश्चन है,
इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीसीज हैज लेड टू एनवायरमेंटल डैमेज एंड डिक्लाइन ऑफ इंडिजिनस स्पीसीज. गिव एनी वन एग्जाम्पल ऑफ हाउ इट हैज अफेक्टेड द इंडिजिनस स्पीसीज. जब भी हम एलियन स्पीसीज को कहीं पर इंट्रोड्यूस करते हैं तो होता यह है कि एलियन स्पीसीज जो अपने नेटिव प्लेस में था वहाँ पर तो वो अपने एक स्टेबल रेट ऑफ ग्रोथ में था, लेकिन जब नए एरिया में इसको हम डालते हैं तो अगर वो एरिया उसके लिए सुटेबल साबित होता है तब तो वो न सिर्फ अपने आप को एस्टेब्लिश करता है बल्कि वहाँ पर पाए जाने वाले नेटिव स्पीसीज को डैमेज करता है, एलिमिनेट भी कर सकता है. जैसे इंडिया में वाटर हाइसिंथ को इंट्रोड्यूस किया गया था यूरोप से इसके ब्यूटीफुल फ्लावर्स के लिए, लेकिन बाद में देखा गया कि कई वाटर बॉडीज़ को इसने टोटली क्लॉग्ड कर दिया, चाहे वो पॉन्ड हो, रिवर हो, जिसकी वजह से बहुत सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो गई. तो ये कंडीशन इंडिया ही नहीं बल्कि कई अदर ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में भी हुआ जहाँ जहाँ इसको इंट्रोड्यूस किया गया था. क्वेश्चन नंबर सी पूछ रहा है कि कुड द एक्सटेंशन ऑफ स्टेलस सी काउ एंड पैसेंजर पिजियन बी सेव्ड बाय मैन. गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर. देखो ये जो स्टेलस सी है, पैसेंजर पिजियन है, ये रशिया एंड अमेरिका में हुआ करता था, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से एक्सटिंक्ट हो गए. एक्सक्लूसिव ट्री फेलिंग, ओवर ग्रेजिंग, अपरूटिंग ऑफ ऑर्किड्स एंड अदर मेडिसिनल प्लांट्स एक्सेट्रा इसको डिग्रेड किया, इसके हैबिटेट को डिग्रेड किया और ये एक्सटेंशन हो गया. अगर ह्यूमन बीइंग ने सोचा होता कि इतना एक्सप्लॉयट ना करें कि उनकी रीन्यूएबिलिटी कैपेसिटी से बाहर चला जाए, और अगर उन्होंने यूज़ ऑफ दिस ओवरऑल कम्युनिटी जो है उसको अगर उन्होंने साइंटिफिकली मैनेज किया होता तो ये आज सेव्ड होता, ये एक्सटिंक्ट नहीं होता. तो एक्सप्लॉयटेशन बियॉन्ड द डिग्री ऑफ द रीन्यूएबिलिटी इज, और यहीं पर ह्यूमन बीइंग ने उसको एक्सटिंक्ट करने का एक्सटिंक्ट किया. क्वेश्चन नंबर 11 में एक डायग्राम दिया हुआ है, एक फोटो दिया हुआ है. द इमेज शोन बिलो इज ऑफ अ सेक्रेट ग्रोव फाउंड इन इंडिया. एक्सप्लेन हाउ हैज ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट हेल्प इन द प्रिजर्वेशन ऑफ दिस बायोडाइवर्सिटी रिच रीजियंस. तो यहाँ पर देखो इंडिया में बहुत सारे, चाहे कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, कुमाऊं है, तो ऐसे कई जगह हैं, इवन गुजरात है, तो वहाँ पर ऐसे सेक्रेट फॉरेस्ट पाए जाते हैं जहाँ पर वहाँ के ह्यूमन बीइंग ने, वहाँ के ट्राइबल कम्युनिटी ने उसको रिजर्व घोषित कर दिया. रिजर्व इसलिए घोषित किया कि उनका अपना रिलीजियस बिलीफ है, अपना ट्रेडिशनल बिलीफ है उस फॉरेस्ट के प्रति. कई सेरेमनीज में वो फॉरेस्ट के डिफरेंट एरियाज़ को यूज़ भी करते हैं, इसलिए वो ह्यूमन के एक्टिविटीज़ को वहाँ अलाउ नहीं करते हैं. एक्स या सिकल यानी पेड़ का काटना या वहाँ पर शिकार करना, ये सब रिस्ट्रिक्टेड होता है. तो बाय नेचर इस तरह के फॉरेस्ट जो हैं वेल प्रोटेक्टेड रहते हैं, जहाँ रेयर स्पीसीज, एंडेंजर्ड स्पीसीज और नेटिव स्पीसीज का बहुत अच्छे से प्रिजर्वेशन हो जाता है बाय द ट्रेडिशन एंड बिलीफ ऑफ द ह्यूमन बीइंग. तो दिस इज द आंसर. एंड वैल्यू ऑफ जेड, दैट इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट, इज कंसिडर्ड फॉर मेजरिंग द स्पीसीज रिचनेस ऑफ एन एरिया. इफ द वैल्यू ऑफ जेड इज 0.7 for area A and 0.15 for area B, which area has higher species richness and a steeper slope. चलिए आंसर देखते हैं. तो सॉल्यूशन A का ये जो कि मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, और B का है value of z is 0.7 for area A and value of z is 0.1.5 for area B. देखो यूजुअली जो वैल्यू ऑफ जेड है वो रिचनेस, स्पीसीज रिचनेस इन रिलेशन टू द एरिया शो करता है. इसका वैल्यू यूजुअली 0.1 से 0.2 के बीच होता है, लेकिन जेड का वैल्यू चेंज होता है अगर हम बहुत लार्ज एरिया को कंसिडर करते हैं, लार्ज कॉन्टिनेंट्स को कंसिडर करते हैं, जहां उसका वैल्यू 0.6 तक चला जा सकता है, 0.7 तक चला जा सकता है. तो जो एरिया ए है वहाँ पर रिचनेस ज़्यादा है, और जो लाइन होगा, जो स्लोप ऑफ लाइन होगा, वो भी बहुत ज़्यादा स्टीपर होगा ए के केस में. ओके, सो ए इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 12 में इलेक्ट्रोफोरेसिस शो कर रहा था. इमेज बिलो डिपिक्ट्स द रिजल्ट ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. इफ द लैडर रिप्रेजेंट सीक्वेंस लेंथ अप टू 3000 बेस पेयर्स. क्वेश्चन हैं, ए विच ऑफ द बैंड्स 1 to 4 correspond to 2500 base pairs and 100 base pairs respectively,
एंड बी है एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ दिस काइंड ऑफ सेपरेशन एंड ऑल्सो मैंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्रोसेस. तो यहाँ आंसर है बैंड फोर. ठीक है, बैंड फोर जो है वो कैथो एनोड एरिया में है. ठीक है, नेगेटिव. तो इस एरिया में जो होगा उसका बेस पेयर सबसे कम होगा. बताते हैं क्यों. तो बैंड फोर विल हैव 100 बेस पेयर्स और जो सबसे ऊपर है, वाइल बैंड थ्री विल हैव 2500 बेस पेयर्स. ओके, होता क्या है कि जब डीएनए फ्रैगमेंट्स को हमें अलग करना होता है तो हम उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के जरिए करते हैं, जहाँ पर एगरसोल नाम का एक बेस यूज करते हैं जो सीव का काम करता है. तो कैथोड और एनोड ये दो एंड्स होते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस में. और जो कैथोड होता है वहाँ पर हम लोग डीएनए फ्रैगमेंट्स को स्टोर करते हैं. जैसे ही हम इस एरिया को इलेक्ट्रिकली एक्टिवेट करेंगे, जो डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं जो नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं वो तेजी से नेगेटिवली चार्ज्ड एरिया यानी एनोड की तरफ बढ़ते हैं. जो हल्के यानी छोटे होते हैं वो तेजी से उनकी स्पीड ज़्यादा होती है, और जो बड़े होते हैं उनकी स्पीड कम होती है. तो जो स्मॉलर बेस पेयर्स वाले सेगमेंट्स होंगे वो आगे बढ़ जाएंगे, जबकि लार्जर वाले पीछे रह जाएंगे. तो दिस इज द बेसिस, द स्पीड इज द बेसिस, स्पीड ऑफ मूवमेंट ऑफ द फ्रैगमेंट्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड इज द बेसिस. क्वेश्चन नंबर 13. सब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ब्रेक अ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ऑन बोथ द डीएनए स्ट्रैंड्स such that only one end of each molecule is cut and these ends have regions of single stranded DNA. BAMH1 is one such restriction enzyme which binds at the recognition sequence 5-GGATCC3- and cleaves these sequences just after the 5-guanine on each strand. What is the objective of this action? Objective of this action is to cut the DNA at this point, which is called polyandric point, GGATCC. जहाँ जहाँ ये polyandric sequence होगा वहाँ वहाँ ये BAMH1 जो है वो DNA को cleave कर देगा यानी तोड़ देगा. Explain how the chain of interest is introduced into a vector and see you are given the DNA shown below. तो एक एक करके देखते हैं. तो क्वेश्चन एक आंसर है, टू कट द डीएनए स्ट्रैंड एट ए स्पेसिफिक साइट टू ऑब्टेन डीएनए फ्रैगमेंट्स एंड टू ऑब्टेन द जीन ऑफ इंटरेस्ट. बी, क्वेश्चन नंबर बी है, एक्सप्लेन हाउ द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू ए वेक्टर. तो इंट्रोड्यूस करने के लिए हमको वेक्टर को भी उसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करना होगा, ताकि वैसा ही कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड्स तैयार हो जाए. उसके बाद हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को उसमें डालेंगे, और लाइगेस एंजाइम की मदद से जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर डीएनए के साथ अटैच कर देंगे. सी है, यू आर गिवन द डीएनए शोन बिलो. एक डीएनए का फ्रैगमेंट दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इफ दिस डीएनए वॉज कट विद BAMH1 हाउ मेनी डीएनए फ्रैगमेंट्स वुड यू एक्सपेक्ट. राइट द सीक्वेंस ऑफ दीज डबल स्टैंडर्ड डीएनए फ्रैगमेंट्स विद देयर रेस्पेक्टिव पोलैरिटी. चलिए देख लेते हैं. रेड से जो लिखा हुआ है GGATCC, ये है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम वर्क करता है, कट करता है. एरो शो कर रहा है 5' एंड की तरफ, एक गवानाइन को छोड़कर यानी सिंगल जी को छोड़कर वो वर्क करेगा, कट करेगा दोनों जी के बीच से. और नीचे का जो स्ट्रैंड है इसमें भी आप देख रहे हो कि 5' एंड की तरफ से, 5' से 3' एंड की तरफ से ये जो जी है यहाँ पर वो कट करेगा. तो कट करने के बाद जब सेपरेट होता है तो ये है डीएनए, ये डीएनए का स्ट्रैंड है जिसमें आप देख सकते हो कि ये है स्टिकी पॉइंट और ये भी है स्टिकी पॉइंट्स. तो ये स्टिकी पॉइंट्स जनरेट होता है और इसी स्टिकी पॉइंट्स के जरिए ये वेक्टर में जा करके अपने आप को अटैच करता है.
तो क्वेश्चन है कि हाउ मेनी फ्रैगमेंट्स विल बी ऑब्टेंड. तो आप देख रहे हो कितने फ्रैगमेंट्स ऑब्टेन हो रहे हैं, टू, इधर एक, इधर एक, तो टू फ्रैगमेंट्स विल बी ऑब्टेंड. नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर डी में पूछा जा रहा है, अ जीन एम वॉज इंट्रोड्यूस इन टू ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर पीबीआर 322 एट बैम एच वन साइट. What will be its impact on the recombinant plasmids? Give a possible way by which you could differentiate non-recombinant to recombinant plasmids. चलिए इसका आंसर देखते हैं. When gene M was introduced into E. coli cloning vector PB322 at BAM-H1 site, it will stick to the complementary sticky site, क्योंकि same complementary sticky site से यहाँ produce हुआ है और यहाँ पर हम लोग लाइगेज एंजाइम को यूज़ करते हैं. तो उसका इम्पैक्ट ये होगा कि जब भी हम बैम एच वन को यूज़ करते हैं पीबीआर 322 में, तो वहाँ पर जो एक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है एम्पिसिलिन के लिए, वो एम्पिसिलिन जो है वो ब्लॉक हो जाता है. ओके, इट कैन नॉट वर्क. सॉरी, एम्पिसिलिन का नहीं, टेट्रासाइक्लिन जो है, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन को ये ब्लॉक करता है. तो टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन वर्क नहीं करेगा. तो जहां पर हमने फॉरेन जीन यानी एम जीन को इंट्रोड्यूस किया है जिस वेक्टर में, वहां पर टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन लॉस हो चुका. तो ये होगा उसका इंपैक्ट. अब वो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक में सर्वाइव नहीं कर पाएगा. तो दिस इज अ वे बाई विच वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द टू, रिकॉम्बिनेंट्स एंड कॉम्बिनेंट्स. जो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स होंगे, इट दे विल फ्लरिश इन बोथ एंटीबायोटिक्स, दैट इज एम्पिसिलिन एज वेल एज टेट्रासाइक्लिन. जबकि जो रिकॉम्बिनेंट्स होंगे वो सिर्फ एम्पिसिलिन मीडियम में ग्रो कर पाएंगे, जबकि टेट्रासाइक्लिन मीडियम में वो मर जाएंगे. सो बाई दिस वी कैन ईजिली डिफरेंशिएट एंड इवन एलिमिनेट द नॉन रिकॉम्बिनेंट्स. लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 13 में इंटरनल चॉइस दिया हुआ है, और जीएम क्रॉप स्पेशली बीटी क्रॉप्स आर नोन टू हैव हायर रेजिस्टेंस टू पेस्ट अटैक्स. टू सब्सटेंशिएट दिस एन एक्सपेरिमेंटल स्टडी वॉज कंडक्टेड इन फोर डिफरेंट फार्मलैंड्स ग्रोइंग बीटी एंड नॉन बीटी कॉटन क्रॉप्स. द फार्मलैंड्स हैड द सेम डायमेंशंस, फर्टिलिटी एंड वेर अंडर सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशंस. द हिस्टोग्राम बिलो शोज the usage of pesticides on BT crops and non-BT crops in these farm lands. तो यहाँ four farmlands show किया, 1, 2, 3 and 4. और पूछ रहा है question number 1 में, which of the above four farms lands has successfully applied the concept of biotechnology to show better management practices and use of agrochemicals? If you had to cultivate, which crop would you prefer, BT or non-BT and why? तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो फार्म टू है, यहाँ पर सबसे कम पेस्टिसाइड्स को इस्तेमाल किया गया है, लीस्ट अमाउंट. सो नेचुरली दिस इज द बेस्ट, सबसे सक्सेसफुली बायोटेक्नोलॉजी को अप्लाई किया गया है फार्म लैंड टू में, जहाँ केमिकल पेस्टिसाइड्स की जरूरत सबसे कम हुई. अगर मुझे भी ये कल्टिवेट करना पड़े तो बीटी क्रॉप को मैं सेलेक्ट करूंगी. ओके, और क्यों करूंगी? बिकॉज इट रिक्वायर्स लीस्ट पेस्टिसाइड्स और नो पेस्टिसाइड्स एट ऑल. लेस द पेस्टिसाइड्स, लेस विल बी द पॉल्यूशन लेवल. क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी इज, कॉटन बॉलवर्म्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन अनदर एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑन द अबव फार्मलैंड्स wherein no pesticide was used. Explain what effect would a BT and non-BT crop have on the pest. ठीक है, pesticides हमने अगर use नहीं किया तो BT crop और non-BT crop पर क्या असर पड़ेगा? Very simple, BT crop होगा तो बिना pesticides के भी वो grow करेगा, because BT crop जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जिसमें क्राई जीन इनकॉर्पोरेट किया गया है, और बीटी क्रॉप के किसी भी स्टेज को, किसी भी पार्ट को, जब भी कोई पेस्टिसाइड, इंसेक्ट पेस्ट
कंज्यूम करेगा तो बीटी टॉक्सिन इंसेक्ट पेस्ट को किल कर देगा। जबकि नॉन बीटी क्रॉप जो है वो कैटरपिलर स्टेज जो है बॉलवर्म्स का उससे अफेक्टेड होगा, वो उसके स्टेम को बोर करता है, उसके डिफरेंट पार्ट्स को बोर करता है, इस तरह से टोटल जो प्रोडक्टिविटी है उसका लॉस होगा। तो बीटी क्रॉप तो बचेगा लेकिन नॉन बीटी क्रॉप मारा जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट, आज इतना ही। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।